जैसा कि कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आज यानी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। आजकल की जिंदगी जहां दौड़ भाग वाली होती जा रही है, वहीं विशेषकर युवाओं के लिए काफी तनाव भरा माहौल बनता जा रहा है, जहां वह कई कारणों से डिप्रेशन या अन्य मानसिक बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। कई बार ये युवा इस मानसिक रोग की चपेट में इस प्रकार आ जाते हैं जहां उन्हें आत्महत्या करना आसान लगता है। वैसे तो यह बीमारी पूरी दुनिया के युवाओं और सभी पीढ़ियों के लोगों को अपना शिकार बनाती है, लेकिन भारत में अब तक इस बीमारी को लोग बीमारी नहीं समझते। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, वह भी अपनी इस बीमारी को सभी से छुपाते हैं या उन्हें बताने में हिचक या शर्म महसूस होती है। इसी कारण भारत में इस बीमारी से पीड़ित पीड़ितों को ना तो समय पर इस बीमारी का पता चल पाता है और ना ही इसका इलाज हो पाता है। वैसे मानसिक बीमारी की कोई उम्र सीमित नहीं है, लेकिन युवाओं में यह लक्षण बहुत तेजी से दिखता है और युवा पीढ़ी इससे लड़ने में असमर्थ दिखती है। ऐसे में सभी के बीच इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य आज सबसे बड़ा मुद्दा है। जरूरत है लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करने की। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाने का ऐलान किया है। WHO के अनुसार राष्ट्रीय के साथ साथ वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए एक थीम रखी जाती है। इस बार की थीम यानी 2020 की थीम है, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज्यादा से ज्यादा पहुंच। इस थीम पर पूरे विश्व के सभी देशों में विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में दिमागी बीमारियों पर चर्चा की जाती है। सभी लोगों को बताया जाता है कि मानसिक बीमारी के लक्षणों को कैसे पहचाने, अगर कोई संदिग्ध मरीज नजर आ रहा है तो उसके साथ कैसा बर्ताव करें। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि सकारात्मकता इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। मरीज के आसपास सकारात्मक वातावरण रखें, उसे अच्छी और सकारात्मक किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, साथ ही अच्छे विचार वाले कोट और स्लोगन पढ़ने के लिए दें। कोरोना महामारी के दौरान पिछले कई महीनों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर खास तौर से जोर दिया जा रहा है। जहां लॉकडाउन की वजह से सभी को अपने घरों में कई महीनों तक खुद को कैद करके रखना पड़ा, वहीं कोरोना महामारी में लोगों का आपस में कम मिलना जुलना, बाहर निकलना, दोस्तों के साथ घूमना और सामाजिक संपर्क से दूर रहना मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा है। WHO ने मानसिक बीमारी के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इस बीमारी के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए है और लोगों में इसके जागरूकता को फैलाने के लिए कई प्रयास कर रहा है।